हम बड़े वाले भूत हैं, हम करेंगे। ये देखो गाइस, लात का निशान, इस राक्षस के लात का निशान। गाइस मेरे को लोग देख रहे हैं, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, मैं फोन में देख के किससे बातें कर रही हूँ। अभी सोई हुई है, घोड़े गधे भैंस कुत्ते सब बेच के सो रही है अभी। पार्टनर इन क्राइम है ये। ये मेरे दुख सुख काले कांडों में भी मेरा साथ देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मासी का बर्थडे है और मासी को मैं दूंगी, आज 4 अक्टूबर है और कल मासी का बर्थडे है, तो रात के 12 बजे मासी को सरप्राइज देने के लिए अभी मैं लेने जा रही हूँ केक। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से स्टाइल के वहाँ पे बने होते हैं और फिर उसमें से हम सब मिलके चूज़ करेंगे मासी के लिए केक। एक और मैं 3-4 केक आपको दिखाऊंगी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, और मे बी हम दोनों, शायद हम सब एक जैसा जो आपको पसंद आए वो शायद मैं भी ले सकती हूँ। तो घर आके आपको रात के 12 बजे पता चलेगा मैं कौन सा लूँगी केक। और अभी मैं जा रही हूँ सरप्राइजिंगली, मासी अभी सोई हुई है, घोड़े गधे भैंस कुत्ते सब बेच के सो रही है अभी, और मैं छुप छुपा के अकेली जा रही हूँ ऑटो रिक्शा से। मासी बहुत गुस्सा करती है क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, भाई होता तो उससे मंगा लेती, लेकिन आज सवेरे सवेरे वो जल्दी निकल गया, उस चक्कर में रह गया, नहीं तो वो ले आता। और मेरे को मेरे पेट में गुदगुदी होती रहती है अगर मैं कुछ करूँ ना, तो एक भी बर्थडे खाली नहीं जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं कौन से सामान लेंगे। और मासी अभी सो रही है एकदम साइलेंट, और नानी भी ऊपर है, नानी को भी नहीं पता मैं जा रही हूँ छुप छुपा के। और मैंने जितने भी पैसे अपनी सेविंग्स जमा की थी ना, खर्ची जो भी मम्मी मेरे को देती मासी मेरे को जितनी भी खर्चियाँ देती थी ना, वो मैंने जमा करके रखी हैं, और अब उन्हीं से लेने जा रही हूँ मैं। और देखते हैं मासी का रिएक्शन कैसा होगा, और मैं उनको रात को बताऊँगी कि मैं अकेले गई थी, किसी के सपोर्ट के बिना गई थी मैं। और देखते हैं अब क्या होने वाला है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गिफ्ट लेने के लिए, मासी के लिए गिफ्ट लेने वाली हूँ मैं, और अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी गिफ्ट क्या ले रही हूँ मैं। सो गाइस, मेरे को लोग देख रहे हैं, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, मैं फ़ोन में देख के किससे बातें कर रही हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ शॉप के अंदर। सल साइड, और मुझे लगी है थोड़ी सी भूख और थोड़ी सी प्यास, तो अब मैं पी रही हूँ शेक। गाइस मेरे को शेक मिल चुका है, ये देखो ग्रीन ग्रीन पे शेक, कितना सुंदर लग रहा है। 10 मिनट बोल के 2 मिनट में दे दिया, वाह फास्ट सर्विस। क्योंकि मासी उठ जाएगी और फिर मेरी वाट लग जाएगी, फटाफट घर भी पहुँचना है मुझे, 15-20 मिनट हो गए घर से निकले हुए। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ केक बेकरी वाली शॉप पे, और मार्केट में मैं आ गई हूँ। घर से निकले मेरे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अभी 3-4 केक देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सेलेक्टिव सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा लेना है, और शायद हम लोग मैच कर सकते हैं। मैच होगा तो लाइक करना मेरी वीडियो को। साइज़ ये एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, डिसाइड करो आप लोग कौन सा लेना है और कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और शाम के बज रहे हैं, कितने 7:45 होने वाली है, 7:45 हाँ 7:45 होने वाली है। और नानी यहाँ पे अपनी पदम पुराण कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे। तो गाइस मैं घर से निकली थी 4:45, और ये है मेरी पार्टनर, मेरे हर क्राइम में मेरा साथ देने वाली। इनको भी नहीं पता था मैं गई हूँ, ये खुद शौक है। हम लोग को घोड़े, हम लोग तो सही में थक गए थे, वो गौशाला जाके आए थक गए, और ऐसे घोड़े बेच के सो गए। धीरे बोलो नीचे पता चल जाएगा, वो सूंघ रही है बिल्ली की तरह, मैंने इस बार बताया नहीं कुछ। और ये मेरी क्राइम इन पार्टनर इन क्राइम है ये। ये मेरे दुख सुख काले कांडों में भी मेरा साथ देती है, ऐसे वाले में ये देख सकते हो। और मैं घर से निकली थी 4:45, और मैं गाइस पहुंच गई घर पे वापस 5:30, नेट टू नेट मेरे घर पहुंचने के 10 मिनट बाद। मेरे घर पहुंचते ही उठी पड़ी थी, और ये इस सीढ़ियों पे बैठी हुई थी 3री मंजिल की, क्योंकि नानी सो रही थी, मैं तो गई डर। और उसके बाद मैंने सब किचन में जैसे तैसे छुपा दिया, फिर मैं गई थी जूस लेने के लिए, वापस लेके आई थी मासी का जूस, जैसे तैसे बात संभाल ली। अभी तक कुछ नहीं पता किसी को, फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिलाई
हमारी मासी मतलब कि बिल्ली मतलब इक्वल टू मासी मलाई के रखवाली कर रही है और हम मलाई चाटना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कार्ड एज यूजुअल, मैं हमेशा देती है ना नानी, हर बार बनाती हूँ मैं कार्ड। एक बार तो मासी गुस्सा हो गई थी, गंदे वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, फेंक दिया कमरे से निकाल के मुझे भी कार्ड को भी। और इस बार देखते हैं, इस बार तो सही खुशी खुशी घूम रही है। और घर आके फिर मैंने बनाया था सैंडविच और जैसे तैसे खिला के अब इनको नीचे भेजा है। और मैं यहाँ पे अपना फिर से अपनी करतूतों में अपने साथी के साथ भागीदारी ले रही हूँ। और अब दिखाते हैं रात के 12 बजे हम आपको कि क्या कांड होने वाला है घर के अंदर। और मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं अकेले गई थी, आप भी नहीं बताया तो इतना मोटा ठंडा पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सोएंगे नहीं अगली बार से। सोएंगे तो गेट पे ताला लगाएंगे, कोई क्या हो गया, मैं खिड़की पे चुन्नी डाल के चली जाऊंगी। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अभी बज रहे हैं रात के आई गेस 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं गाइस। और नानी यहाँ पे वेट कर रही है 12 बजने का। लेकिन अभी मेरे को ना मासी का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि नानी को जाके कह दे कि वो सो जाएंगी, रात तक जगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सोएंगे मालिश करा के। लेकिन हम कौन से मानने वाले हैं, हम उजड़े पूत हैं, हम बड़े वाले ऊत हैं, हम करेंगे। तो गाइस देख लो ये ऐसे हो संगत तो कैसी होगी रंगत। और ये देखो क्या चल रहा है टाइम पास के लिए, क्या कर रही हो मम्मा से ये फटे लोअर सिला दे टाइम पास और फोन में भजन चला रखे नानी ने तो झक झक शोर होगा इसलिए ये गाइस ऐसा ही होता हमारे साथ 5 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को 11:45 आ जाना नीचे, ठीक है 15 मिनट तो मेरे को आवाज़ दे देना बीच में है, मैं मालिश कर रही हूँ जब तक जाके उनकी। अच्छा। फिर उनको रील्स वील्स बातों में अटकाऊंगी जब तक 11:45 बजी जाएगी। गाइस हम लोग ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं चुप चुप के। क्या करे, खुश हो जाती है मासी क्यूट सी। नानी आपके तो बल्ब जल गया आँखों में। आँखों में बल्ब जल गए, जादू की तरह बैठी हुई है। अभी भी छोटी छोटी जल रही हैं बिल्ली जैसी। सो गाइस मेरा भाई यहाँ पे हेल्प करा रहा है, रोज़ का काम है भाई, बड़ा स्वीटली अच्छे से काम कराता है देखो। और मैं इसके काम में विघ्न डालती हूँ। शक्ल तो देख ले दे अपनी सुतरी। ये देखो गाइस कितने अच्छे से बर्तन धोता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करके रख देता है ये। अगर आपको बुकिंग करनी हो तो कर सकते हो। तो कर दे ऐड तो कर दे, उसके लिए होना भी चाहिए बुद्धू। मेरे को मारा, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई तू मुझे मारेगा अपने फूल जैसी छोटू बहन को। ये देखो गाइस लात का निशान, इस राक्षस के लात का निशान। सो गाइस छुप छुप के मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ देख सकते हो ये सो रही है अभी, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, एकदम एकदम शांत शांत गाय।